काली पहाड़ी से रतनगढ़ माता मंदिर तक सैकड़ों श्रद्धालुओं ने की पैदल यात्रा। कहा जाता है कि यदि मन में भक्ति हो और इरादे नेक हो तो कठिन से कठिन काम भी इंसान आसानी से कर सकता है। ऐसा ही एक उदाहरण पेश किया है काली पहाड़ी के युवा समाज सेवी रूपेंद्र यादव ने, जिन्होंने बीते शनिवार को अपने कुछ साथियों से पैदल रतनगढ़ तक की यात्रा करने का विचार साझा किया। फिर क्या था, बात आगे चली और देखते ही देखते गाँव के लगभग 500 लोग, जिनमें माताएं, बहनें, भाई, युवा बच्चे, एक साथ रतनगढ़ तक माता के दर्शनों के लिए चलने को तैयार हो गए। और प्रातः 8 बजे ग्राम काली पहाड़ी से यात्रा डीजे की धुन पर माता के जयकारे लगाते हुए व भक्ति गीतों की धुन पर नाचते हुए चल पड़ी। यात्रा का रास्ते में पड़ने वाले विभिन्न गांवों में जहां स्वागत सत्कार किया गया, तो वहीं अनेक लोग अपने अपने काम छोड़कर इस पुनीत यात्रा में पैदल चलकर साथ हो लिए। 2 दिन और 1 रात की पैदल यात्रा के बाद यात्रियों ने सोमवार को माँ रतनगढ़ वाली के दरबार में मत्था टेका और आशीर्वाद लिया। यात्रा के आयोजक रूपेंद्र यादव ने बताया कि उनके छोटे से निवेदन पर जिस तरह से सैकड़ों लोग उनके साथ चल दिए, वो इन लोगों के द्वारा दिए गए प्रेम और आशीर्वाद की जीवन भर आभारी रहेंगे और हमेशा आपस में एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाएंगे। ज्ञातव्य हो कि रूपेंद्र यादव वही समाज सेवी हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बीते अनेक वर्षों से निःशुल्क कंबल वितरण, वस्त्र वितरण और कोरोना महामारी में निःशुल्क भोजन वितरण जैसे अनेक कार्य किए हैं। क्षेत्रीय ग्रामों में आयोजित होने वाली भागवत कथाओं में तथा किसी भी तरह के धार्मिक आयोजनों में भी ये बढ़ चढ़कर अधिक व सामाजिक सहयोग करते हैं। बीते साल इन्होंने सेना के शहीदों की पत्नियों का सार्वजनिक मंच पर सम्मान कर खूब लोकप्रियता हासिल की थी। अब रतनगढ़ यात्रा कर एक बार फिर रूपेंद्र ने क्षेत्रीय लोगों में अपनी अलग पहचान बनाकर एक निस्वार्थ समाजसेवी के रूप में छवि बनाई है। लोग इनके कार्यों की खुले मन से प्रशंसा कर रहे हैं, इनकी टीम को भी लोग बधाई दे रही हैं। रिपोर्ट संजय गुप्ता, बिलैया करेरा। ये रात भर की दिखा रहे हैं।